फ्रेंड्स, मेरा यूनिवर्सिटी का एक क्लास फेलो, मेरा जिगरी यार चौधरी उजैर, उसका नाम है उजैर हाशमी, मैं उसको प्यार से चौधरी उजैर कहता हूँ। चौधरी उजैर साहब यहाँ पे अजमेर हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और ये मेरे पीछे उनका ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर है। तकरीबन ये सिर्फ 4 माह के अरसे में ये उन्होंने घर कंस्ट्रक्ट किया है और उनकी दावत पे मैं वैसे उनसे मिलने के लिए आया था, लाहौर आया हुआ था, तो उनसे मेरी सलाम दुआई। उसने कहा यार मैं अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ, तू उधर आ जाओ। तो आज मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, साथ आपको उसका घर भी इस वीडियो में दिखाते हैं। तो इस घर का मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ और चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जनाब बाहर से मैं आपको घर के मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये चौधरी उजैर साहब खड़े हुए हैं, बड़ा खूबसूरत घर है ये बिल्कुल घर के फ्रंट से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, ट्रिपल स्टोरी घर उन्होंने बनाया है, यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी अलाउ है। अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये 10 फुट जगह उन्होंने छोड़ी है और अभी ये नीचे वाला पोर्शन तैयार हो रहा है, ये दरवाज़ा अभी ये तैयार हो रहा है और ऊपर वाले 2 पोर्शन रेंट आउट हो गए हैं और ये कारीगर यहाँ पे काम कर रहा है अपना। और इस दरवाज़े के ऊपर ये सीलिंग है, ये इन्होंने पंखा लगाया और ख़ूबसूरत सा एक सीलिंग डिज़ाइन यहाँ इन्होंने तैयार करवाया है और अभी बहुत सारा दूसरा फर्नीचर भी ये यहाँ घर पे ही तैयार करवा रहे हैं। और इसके साथ ये गली है और ये गली मेरा ख्याल है 5 फुट ये गली छोड़ी है और इसके पीछे जाएँ तो ये बिल्कुल ये वॉशिंग मशीन के लिए कपड़े धोने की ये जगह है, यहाँ पर गीज़र भी लगाया हुआ है। ये घर के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है, बैक साइड से भी 5 फुट जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये पीछे जो घर बना है यहाँ पे भी उन्होंने 5 फुट जगह छोड़ी है, ये यहाँ का रूल है, ये बायला, आपको इतनी जगह छोड़नी पड़ती है, 5 फुट गली आपको छोड़नी पड़ती है, ये आप देख सकते हैं। और ये अजमत भाई हैं, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े कारपेंटर हैं, ये सारा लकड़ी का काम, दरवाज़ों का काम करते हैं और बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग इनके हाथ में है। और अब तक उजैर भाई इनसे तकरीबन कोई 5 से 6 मकान तैयार करवा चुके हैं और ये बिल्कुल घर में एंटर हो तो ये बिल्कुल साइड पे ये स्टेयर्स का रास्ता जाता है, आप स्टेयर्स है, ताकि जिन लोगों को रेंट पे दिया है वो बाहर बाहर से भी एक दरवाजे से वो जाएँगे इस दरवाजे से, और साथ वाला दरवाज़ा है वो सेपरेट है, यहाँ से ये पोर्शन उजैर भाई ने अपने लिए रखा हुआ है और अभी ये काम हो रहा है। ये बिल्कुल साथ ये ड्राइंग रूम है और जैसे ही एंटर होती हैं, अभी ये मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, ये सीलिंग है, ये टीवी लॉन्च की सीलिंग है, ये देखें ये 2 पंखे लगे हुए हैं और अभी यहाँ काम हो रहा है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये जनाब वाइट वॉश अभी ये करवाया रिसेंटली। और अभी फर्नीचर का ये काम हो रहा है, ये बेडरूम्स हैं और ये किचन है, किचन का काम भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये लासानी की शीट्स हैं, ये भी अजमत भाई जो कारपेंटर जो भी मैं आपको दिखा रहा था उन्होंने ये सारा काम किया है, बड़ी प्यारी टाइल उन्होंने ये लगवाई है, ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा काम है। उजैर भाई जो भी काम करवाते हैं लाजवाब काम करवाते हैं, मुझे इनका काम बहुत पसंद होता है, अपने बजट के लिहाज से ये अच्छा काम करवाते हैं। और ये किचन की ये सीलिंग है, ये सीलिंग का डिज़ाइन है सादा सा, ये सामने आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और ये बाहर खिड़की है हवा के लिए और धूप के लिए, ताकि जो भी खाना छाना पके वो एग्जॉस्ट होके बाहर चला जाए। अब ये बेडरूम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने उन्होंने एक विंडो रखी है और ये बाहर टीवी लॉन्च का रास्ता है और ये बिल्कुल जो साथ ये ड्रेसिंग रूम है और इसके साथ अंदर वॉशरूम है। ये इस बेडरूम की सीलिंग है, ये इसका सादा सा सीलिंग डिज़ाइन है, अभी इसमें उन्होंने इसको कलर्स वगैरह अपनी पसंद का ये करेंगे, आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये ड्रेसिंग रूम है छोटा सा, यहाँ पे उन्होंने अपनी ये अलमारियाँ बनवाई हुई हैं कपड़ों के लिए, बहुत प्यारी शीट है, ये लासानी की शीट है, ये देखें ये लिखा भी हुआ है लासानी। और इसके साथ ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम की उन्होंने ये 8 फुट तक इन्होंने ये टाइल लगवाई है, बाकी ऊपर ये एग्जॉस्ट फैन और ये विंडो है बाहर की तरफ, ये उन्होंने अपनी पसंद का ये सिंक डिज़ाइन और अपनी पसंद की ये टाइल लगवाई है, ये बहुत खूबसूरत टाइल है, मुझे भी पर्सनली ये टाइल पसंद आई है। ये इसके साथ ये दूसरा रूम है, दूसरा बेडरूम है और ये इस बेडरूम की ये सीलिंग है,
बड़ी प्यारी लाइट्स और उन्होंने ये खिड़कियों का डिज़ाइन एक तरह का लगवाया है, और अभी ये घर बिल्कुल अभी ये तैयार हो रहा है। ऊपर वाले दो पोर्शन हो चुके हैं और ये भी उसी पहले वाले कमरे का और इस कमरे का ये बिल्कुल अटैच, आप कह सकते हैं कि ये वॉशरूम एक ही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वही ड्रेसिंग रूम और ये वही वॉशरूम जो अभी मैंने आपको दिखाया था। और ये चौधरी साहब जरा उससे गपशप लगा रहे हैं। अब आपको ये तीसरा बेडरूम दिखाता हूँ, ठीक है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। और ये आगे इसी तरह उन्होंने इसका भी आगे छोटा सा एक ड्रेसिंग रूम रखा हुआ है, ये बेडरूम से बाहर टीवी लॉन्च की तरफ। ये देखें, ये ड्रेसिंग रूम है, ये भी लासानी की उन्होंने खूबसूरत सी शीट लगवाई है। ये ऊपर सीलिंग है और ये खिड़की है बाहर जो मैं अभी आपको स्टार्ट में दिखा रहा था, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। और ये वॉशरूम अलग है, ये इस बेडरूम का एक ही वॉशरूम है, मतलब ये इसके साथ ही लगेगा, ये जॉइंट नहीं है। ये देखें, ये इसमें पानी भी आ रहा है, पानी का कनेक्शन भी उन्होंने ऑलरेडी करवाया हुआ था। और इसमें उन्होंने यहाँ पे सीट भी रखवाई है और साथ कमोड भी रखवाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये साथ ही उन्होंने कमोड है और ये साथ ही सीट है टॉयलेट के लिए। और ये टाइल भी उन्होंने 8 फुट तक ऊंची चारों तरफ उन्होंने लगवाई है। ये बाहर गली का रास्ता नज़र आता है। अब ये देखें, ये बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है टीवी लॉन्च का, सीलिंग का। और ये जो सामने जगह है, ये बेसिकली एक ड्राइंग रूम है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो ये मेहमानों के लिए है। ये उसका डिज़ाइन है ड्राइंग रूम का। और आगे चौधरी उज़ैर साहब से बातचीत करते हैं, उनका भी आपको ज़रा इंटरव्यू दिखाते हैं। ये सामने स्टेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस घर का एक ओवरव्यू था जो इस वीडियो में मैंने बताया। चौधरी साहब ने बताया कि ये 10 मरले ये जगह है और ये तकरीबन 2,275 स्क्वेयर फुट। चौधरी साहब, ये किस तरह से इसका स्क्वेयर फुट होता है, फ्रंट कितना है और इसका हाइट कितनी है? 10 मरले का जो फ्रंट है वो है 35 फुट, ठीक है, और पिछली लंबाई है इसकी 65 फुट। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो 65 फुट है, और अगर 35-65, और अगर जो 5 मरले वाला घर होता है उसका क्या हिसाब होता है, उसका फ्रंट की? उसका फ्रंट होता है 25 फुट और लंबाई होती है 45 फुट। 45 फुट। ये पाकिस्तान के अंदर लाहौर में ये इस तरह से हो रहा है। और ये जो अजमेर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये ठोकर से कितने फासले पर है? ये है तकरीबन 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ये सोसाइटी है, और आपको फर्क महसूस नहीं होगा मेरा ख्याल, अब तो लाहौर बिल्कुल अंदर ही आ गया ना सारा। और अगर अपनी गाड़ी हो तो यहाँ से कारपेट रोड पे ठोकर का कितना तकरीबन कितना फासला, कितने मिनट में बंदा पहुंच जाता है? ये 15 मिनट में जाता है। 15 मिनट के अंदर ये चला जाता है। अच्छा, जो आपने इसका जो दूसरा और तीसरा पोर्शन है वो भी मतलब इसमें 4 बेड ही कहीं रखा है? चार, जी, 4 बेड। और ये फ्रेंड्स, ये 4 माह के अंदर ये घर मुकम्मल हुआ है, और जैसे ही अभी 1 जनवरी को मेरा ख्याल ऊपर ये पोर्शन रेंट आउट जी, होगी। रेंट आउट हो गया 1 जनवरी को, दोनों पोर्शन को रेंट आउट हो। सेकेंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन है वो रेंट आउट हो गए हैं, वहां पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, चूंकि ऊपर तो जाके मैं वीडियो नहीं बना सकता। ये जो इस टाइम ये ग्राउंड फ्लोर तैयार हो रहा है, ये आपने अपनी जाती रिहाइश के लिए रखा है? ये अपनी जाती रिहाइश के लिए ये रह रहे हैं। और ये इनका इजमीर के अंदर ये चौथा घर है जो ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इससे पहले आपने अपने एक भाई का भी कंस्ट्रक्ट किया जी था, बिल्कुल, वो है जो ना J216। J216 में इन्होंने अपने भाई का भी, और उसका कितना रकबा था? उसका भी उसको भी इतना ही था, तकरीबन 10 मरले, 35-65, तकरीबन 2,275 2,275 स्क्वेयर फुट की ये जगह है। तो फ्रेंड्स, आपने बताना है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक ये मेरे दोस्त को और ज़्यादा कामयाबियां दे, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन है ये बेसिकली बाय प्रोफेशन एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी है, और साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है, और मेरे साथ भी इनका बड़ा लाड प्यार, हमने इकट्ठे पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है।
तो मैं चौधरी साहब को थैंक यू करता हूँ कि जनाब आपने हमें अपने घर में यहाँ इनवाइट किया। चौधरी साहब कह रहे थे कि जब मेरा घर जब मुकम्मल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फर्निश हो जाएगा, तब आप आइएगा, लेकिन मैं वैसे ही आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपने अपना फीडबैक जरूर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा। और इज़मीर सोसाइटी के अगर आपका दिल माने तो हम और भी आपको विजिट करवाएंगे। वैसे एक फ्रेंडली विजिट के तौर पर मैं आया हुआ था। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। और मेरे जो दोस्त हैं यार दिलदार चौधरी उज़ैर साहब, इनके लिए जरा दो तीन अल्फाज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।